फाइनली मुझे बर्फ मिल चुकी है भैरव बाबा पे और फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ और मुझे वैष्णो देवी पे बर्फ मिली है। जय माता दी। इस समय मैं हूँ निहारिका भवन में, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। और कल जब हम माता कोल कंडोली, जैसे प्रथम दर्शन बोला जाता है, उसके दर्शन करके हम यहीं आए, तो यहाँ हमने विश्राम किया है नॉन एसी डॉर्मेटरी रूम में, जिसका चार्ज होता है 100 रुपीज़ और आपको कंबल भी मिल जाता है साथ में, जिसके सिक्योरिटी आपको 500 रुपये डिपॉजिट करानी होती है। जब आप कंबल मॉर्निंग में रिटर्न करेंगे तो आपको 500 रुपये पूरे के पूरे आपके रिटर्न मिल जाएंगे। और अगर आपने मेरी माता कोल कंडोली की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसको प्रथम दर्शन माना जाता है, तो आपको ऊपर लेफ्ट में आई बटन आ रहा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको पहला दर्शन माना जाता है माता वैष्णो देवी यात्रा का। और यहाँ से हम यात्रा पर्ची काउंटर की तरफ जाने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको भवन में रूम बुक कराना है ऊपर माता वैष्णो देवी यात्रा में, आप ऊपर जाते हैं भवन, वहाँ के भी रूम यहीं से अवेलेबल होते हैं बुकिंग के लिए, तो उसका विंडो खुलती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आप यहीं से ही निहारिका भवन में ही रूम बुक करा सकते हैं ऊपर के लिए। तो अभी मैं जाने वाला हूँ यात्रा पर्ची काउंटर की तरफ, जो बस स्टैंड पे ही है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे तो रेलवे स्टेशन से बुक करा सकते हैं, नहीं तो आप बाण गंगा पे भी आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाएगा। मेरे को यहाँ पास पड़ रहा है बस स्टैंड, तो मैं बस स्टैंड से यात्रा पर्ची लूँगा और आगे की तरफ निकलूँगा न्यू ताराकोटी मार्ग की तरफ, जहाँ से मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको न्यू ताराकोटी मार्ग पे। जय माता दी। मैंने यात्रा पर्ची ले ली है यात्रा पर्ची काउंटर से, और यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलता है, तो आप यहाँ पे पर्ची ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पर्ची भी ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक करा के ला सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 24 घंटे की होती है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 6 घंटे की होती है। तो पर्ची ले ली है, अब हम चल रहे हैं न्यू ताराकोटी मार्ग की तरफ, जहाँ से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे माता की। जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं न्यू ताराकोटी मार्ग पे, जहाँ से मैं अपनी माता वैष्णो देवी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूं। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है और इस पर पूरे ही 3 शेड्स लगे हुए हैं, जिससे कि यात्रियों को धूप, गर्मी, बारिश, बर्फ़बारी या पत्थरों से बहुत ज़्यादा ही बचाव होगा श्रद्धालुओं को। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं कहूँगा जो लोग फिट हैं वो इस रास्ते से ही जाएं, लेकिन जो लोग बुज़ुर्ग हैं जिनको घोड़े या पालकी की सुविधा चाहिए, उनको बाणगंगा वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पर घोड़े या पालकी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है हेलीकॉप्टर की, या फिर तत्काल में आपको यहाँ के बुकिंग करानी पड़ती है। और जो तत्काल बुकिंग ऑफिस का एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। बस मैं यहाँ से अपनी यात्रा अब स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक आने के लिए आपको शेयरिंग ऑटो मिलता है, जिसका 50 रुपये पर हेड का किराया होता है, तो वो भी आपको बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से मिल जाएंगे। तो 50 रुपये पर हेड किराया है यहाँ तक आने का। तो बस यहाँ से अब मेरी ऑफिशियल माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट होती है। जय माता दी। यहाँ हर रास्ते में आपको शौचालय मिलेंगे और खाने पीने के पूरे स्टॉल्स मिलेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। पानी के पूरे टैंकर्स भी लगे हुए हैं, हर जगह नल लगे हुए हैं, तो आपको पानी पीना हो या वॉशरूम जाना हो या कुछ खाना पीना हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस न्यू ताराकोटी मार्ग पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इस मार्ग पे, तो बस आराम से यहाँ तक यात्रा कीजिए और सारी सुविधाओं के आनंद के साथ। जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं लंगर। इस जगह को लंगर बोलते हैं, और इस जगह 24 घंटे माता का लंगर चलता रहता है। और लंगर में आपको दाल, चावल और देसी घी का हलवा और संग में चाय, टाइम अनुसार मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में आपको चाय भी साथ में मिलती है। तो चलते हैं अंदर, माता का लंगर ग्रहण करते हैं।
जय माता दी। लंगर कर लिया है और लंगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की, कि बर्तन आपको खुद साफ करना, जैसे हम गुरुद्वारों में हम बर्तन खुद साफ करते हैं, यहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि बर्तन श्रद्धालुओं को खुद साफ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं, 3-4 प्रोसेस में आपको बर्तन धो के लगाने होते हैं वहाँ पे, जहाँ से श्रद्धालु फिर से खाने के लिए प्लेटें उठाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर योगदान करना चाहते हैं लंगर में, तो यहाँ पर दो स्कीम्स हैं, या तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पे पैसा अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर डिपॉजिट करा के लंगर में सहयोग कर सकते हैं, और आपका नाम यहाँ पे जो टीवी होता है स्क्रीन वहाँ पे मेंशन हुआ कि आपने आज के लिए लंगर ऑर्गेनाइज करवाया है। नहीं तो आप अगर नहीं आ रहे हैं, वैष्णो देवी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने घर से भी ऑनलाइन, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे आपको पेमेंट करना है, तो आप घर बैठे बैठे भी यहाँ पे लंगर में सहयोग कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटे के लिए करते हैं तो उस पर 11,000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा, और अगर आप 24 घंटे का करते हैं तो आपको 23,000 से 24,000 तक का पेमेंट करना होगा। वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा क्या कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो आप अपने अनुसार योगदान कर सकते हैं लंगर में। तो बस मैं आगे, अब यहाँ से लंगर कर लिया है तो चलता हूँ आगे माता वैष्णो देवी के अर्धकुवारी के पड़ाव की तरफ। मिलते हैं अर्धकुवारी पहुँच के, जय माता दी। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और यहाँ पर रास्ते में अगर मेरे पापा को थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप यहाँ पर रास्ते में दिखा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर मेडिकल यूनिट्स हैं जहाँ पर आप अपने जो साथ में श्रद्धालु चल रहे हैं उनको अगर थोड़ी तकलीफ़ होती है उनको दिखा कर उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब होती है तो अंदर बेड भी हैं, तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर श्रद्धालु, तो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के सारे, नया रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा आप नए रास्ते से ही यात्रा करें। तो बस अब हमने दवाइयाँ ले ली हैं उनके लिए, तो बस चलते हैं आगे की तरफ। जय माता दी, जय माता दी। अभी मैं पहुंच चुका हूं अर्धकुवारी, और अर्धकुवारी पे 3 रास्ते कटते हैं जो मैं आपको बैक कैमरा बैक करके दिखाता हूं। एक रास्ता यहां पे जा रहा है सीधा नीचे भवन की नीचे बाल गंगा की साइड, और ये ऊपर जा रहा है सीधा रास्ता, ये है पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है भवन की साइड, और आगे से एक रास्ता राइट कटता है वो जाएगा आपको अर्धकुवारी की साइड। तो अभी मैं पहले जाने वाला हूं अर्धकुवारी, तो मैं आपको अर्धकुवारी तक लेके चलता हूं, वहीं दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे हम भवन के तरफ फिर से इसी रास्ते से वापस आएंगे, पहुंचते हैं अर्धकुवारी पे। जय माता दी। जय माता दी। मैंने माता की गर्भ जून के दर्शन कर लिए हैं जो अर्धकुवारी पे है, और कहा जाता है कि आपको लाइफ में एक बार तो माता की गर्भ जून से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं तो। और इसको गर्भ जून इसलिए ही बोला जाता है कि जिस प्रकार बच्चा माँ की कोख में 9 महीने रहता है, वैसे ही सेम यहाँ माता की ने समाधि रूप लिया था 9 महीने के लिए, इसलिए इसे गर्भ जून भी कहा जाता है। तो दर्शन मैंने कर लिए हैं, प्रसाद भी ले लिया है, अब हम आगे कि अपनी जो यात्रा का अगला चरण है माता वैष्णो देवी यात्रा भवन का, वो शुरुआत करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं सब देने वाला हूँ यहाँ पे, और जहाँ से जो वापस जाने का रास्ता है हम वही हिमकोटी मार्ग से ही जाएंगे, हम हाथी मत्ता मार्ग से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो वहाँ से जाना बेवकूफ़ी है। तो मैं भी जाने वाला रहा हूँ जिस रास्ते से मैंने एंट्री ली थी, सेम उसी रास्ते से मैं एग्ज़िट करूँगा हिमकोटी मार्ग से। चलते हैं रास्ते की तरफ। जय माता दी। जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं माता के भवन। अर्धकुवारी के दर्शन करते करते शाम हो चुकी थी, और यहां पहुंचते पहुंचते अब रात हो चुकी है, और रात में पहुंचना अच्छा भी है क्योंकि माता के जो प्राचीन गुफा के कपाट हैं वो इस समय रात के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ही खुले जा रहे हैं,
तो बस मैं माता के दर्शन करने के लिए अब जाऊंगा, और उससे पहले मैं को फ्रेश फ्रेश होऊंगा क्योंकि मैंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से रूम बुक कराया था जहाँ पे अभी मेरी फैमिली स्टे कर रही है, और वहाँ सब फ्रेश हो रहे हैं। अब मैं भी जाके फ्रेश होऊंगा और माता के दर्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे रूम बुक कराना चाहते हैं आप भी, तो यहाँ ऑफलाइन निहारिका भवन है बस स्टैंड के बाद, वहाँ से आप ऑफलाइन बुक करा सकते हैं रूम। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, माता पर चढ़ता है मेवे का प्रसाद, और मैं हर बार लाता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आप जहाँ तो भीड़ शॉप से प्रसाद लेते हो, माता पर नहीं चढ़ता है वो आपका प्रसाद लिया, और अगर आप पहले भी आ चुके हैं माता के दर्शन करें तो आपको पता होगा ये वाली बात। तो बस वो अगर आप माता के लिए मेवे का प्रसाद लाएंगे तो वो आपका प्रसाद चढ़ाया भी जाएगा, और आपको जब पुजारी जी प्रसाद चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा माता के दर्शन करने के लिए मिल जाएगा, और वही तो मेन है, क्योंकि माता के दर्शन करने के लिए ही है। अगर वही टाइम आपको ज़्यादा ना मिले तो क्या फ़ायदा आपका आने का। तो बस मैं आपको चलता हूँ अपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं तो आपको बताने वाला था प्रसाद वाला, और आपके इसके बाद मैं जाने वाला हूँ फ्रेश होने के लिए रूम में, और आपको रूम भी दिखाऊंगा यहाँ पे मेरे को कैसा रूम मिला है, और आप आए तो अपनी फैमिली के लिए बुक करा सकते हैं, और आपको मेवे का प्रसाद भी दिखाऊंगा जो मैं साथ में लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं रूम की तरफ, उसके बाद जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। मैं अब रूम पे पहुंच चुका हूं, और रूम पे बस सब लोग तैयार हो रहे हैं माता के ट्रिप पे जाने के लिए, और इस तरीके से कुछ रूम है अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, और यहाँ ये अलमीरा दी है, शीशा भी लगा अच्छा सा, और ये ब्लैंकेट्स हैं बहुत सारे जितने आपको यूज़ करने हो फैमिली के, जितने में हम 4 मेंबर्स हैं। ये वॉशरूम बहुत ही अच्छा वॉशरूम है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है, तो अगर आप ठंड में आ रहे हैं तो आपको ठंडे पानी से नहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी अवेलेबल है। तो बस मम्मी वो दिखाना प्रसाद कहाँ है, पंच प्या कौन सा बोलते हैं मेवे का, वो दिखाऊँ बस लोगों को। तो कुछ इस तरीके से हमने ये 4-5 छुआरे, बादाम, काजू, पिस्ता, 5 तरीके के मेवे हमने बना के एक डिब्बा लेके आए हैं, तो आप भी इस तरीके से डिब्बा बना के ला सकते हैं अपने घर से। तो बस अब मैं बता दिया आपको, रूम भी दिखा दिया, रूम भी बहुत अच्छा मिला है हमें यहाँ पे, तो आप इस तरीके से अपनी फैमिली के लिए रूम बुक करा सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 1,000-1,500 के बीच में आपको फुल फैमिली के लिए रूम मिल सकता है, अच्छा रूम, गौरी भवन इसका नाम है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो बस अब मैं नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद माता के दर्शन के बाद आपसे मिलूंगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जय माता दी। माता की प्राचीन गुफा के दर्शन कर लिए हैं मैंने, और दर्शन करने के बाद जस्ट मैं अभी रूम पे आया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, क्या पता सुबह तक बर्फबारी भी मुझे देखने को मिले। तो दर्शन कर लिए हैं, जो मैंने आपको दिखाया था मेवे का प्रसाद वो मैंने चढ़ाया है, और प्रसाद के साथ पंडित जी ने कुछ फूल भी दिए हैं माता के चरणों के साथ में डाल के। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे मेवे का प्रसाद लेके तो आपको आपका प्रसाद चढ़ेगा भी सही, और आपको वहाँ माता के चढ़े हुए फूल और प्रसाद साथ में मिक्स करके पंडित जी दे भी देंगे। तो भेड़ शॉप वाला प्रसाद तो लेना मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नारियल चढ़ाना है नारियल का प्रसाद तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रसाद माता के चरणों तक पहुँचाना है अपना, तो आप अपना प्रसाद मेवे का खुद लेके जाइए, जो सूखा प्रसाद मेवे का माता को चढ़ता है। तो बस अभी मैं जस्ट रेस्ट करूँगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, और मॉर्निंग में हम भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे क्योंकि रोप वे रात में नहीं चलता है और चढ़ाई बहुत खड़ी है, तो हम मॉर्निंग में करेंगे। तो बस मिलते हैं 2 मिनट में, बिकॉज मेरे लिए तो फुल नाइट है, बट आपके लिए बस मैं यूँ गया और यूँ आया। आज मेरी यात्रा का, माता वैष्णो यात्रा का 3रा दिन है, और आज मैं जाने वाला हूँ भैरव बाबा की यात्रा के लिए, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा ट्रोले की सर्विस यहीं से अवेलेबल है। मैं इस समय मनोकामना भवन के का जो भोजनालय है वहाँ पे हूँ, और थोड़ी देर में हम ट्रोले में बैठे जाएंगे, लेकिन आज मॉर्निंग में सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, और सुनने में आया कि रात तक शायद बर्फ़ भी पड़ जाएगी। मेरे को तो बर्फ़ नहीं मिली, लेकिन शायद आपको मिल सकती है, क्योंकि जनवरी से फरवरी के बीच में कभी कभी बर्फ़ पड़ती रहती है, तो आपको बर्फ़ मिल सकती है शायद आपका लक अच्छा हुआ। तो बस अभी मैं ट्रोले में जाऊंगा, और ट्रोले की सर्विस का ये है कि वो आपको 100 रुपये में ही भवन से भैरव बाबा लेके भी जाता है और लेके भी आता है। और इस बीच क्या होता है, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप अपना सामान लॉकर रूम में रख सकते हैं, बिकॉज़ ऊपर बहुत ज़्यादा लंगूर और बंदर होते हैं जो आपका प्रसाद छीन लेते हैं, और आपको वो ज़्यादा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है ऊपर, तो अपना सामान लॉकर रूम में रख दीजिए और ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आ जाइए, वही 100 रुपये में जो टिकट कटती है वो आपको भैरव बाबा लेके भी जाता है और लेके भी आता है। तो बस अब मैं जाने वाला हूँ, टिकट लूँगा
ट्रोलेगी और ऊपर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने और वापस आएंगे, क्योंकि बाहर में वीडियो बना नहीं सकते, वो आप देख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस मैं चलता हूँ ट्रोले की तरफ। जय माता दी। मैं इस समय पहुँच चुका हूँ भैरव बाबा पे और यहाँ पर स्नोफॉल का मौसम बनने वाला है और यहाँ बहुत सारी बर्फ़ रात को पड़ी हुई है, तो बहुत सारी बर्फ़ दिख रही है आसपास। पीछे आप देख रहे होंगे पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी, और यहाँ से भवन भी दिख रहा है आपको। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ का, स्नोफॉल कभी भी हो सकता है, तो आप आइए जल्दी से। तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का, और ऐसा बोला जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन करने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि बोला जाता है कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। फाइनली मुझे बर्फ़ मिल चुकी है भैरव बाबा पे, और फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ, मुझे वैष्णो देवी पे बर्फ़ मिली है। तो मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, मुझे बर्फ़ के बहुत अच्छे मज़े मिल रहे हैं। देख रहे हो पूरा बर्फ़ से भीग चुका हूँ, तो बस भाग रहा हूँ यहाँ से, बहुत देर बर्फ़ में बैठा हुआ हूँ। चलो, तो मेरा कैमरा ही पूरा भीग रहा है बर्फ़ में, बस आप भी आइए मज़े लीजिए यहाँ स्नोफॉल के। बस निकल रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय। जय माता दी। मैं नीचे कटरा पहुंच चुका हूं भैरव बाबा के दर्शन के बाद, और मुझे भैरव बाबा पे स्नोफॉल भी मिला, और मैंने कल रात को माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के दर्शन भी किए। और जिस जिसने माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के दर्शन किए हो, ऊपर स्नोफॉल देखा हो, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख के ज़रूर जाना। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी और भी बहुत सारी यात्राएं साल के एंड तक प्लान है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मेरी अगली यात्रा कौन सी होनी चाहिए वो भी आप सुझाव दे सकते हैं, मैं कौन सी अपनी अगली यात्रा प्लान करूं। और आपको कोई क्वेरी भी हो इस यात्रा से रिलेटेड, आपको कुछ सुझाव देना हो, या आपको कुछ प्रश्न हो इस यात्रा से रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, मेरी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है वैष्णो देवी की, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। जय माता दी।